हेलो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू द टॉपिक डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिसेस। सबसे इम्पॉर्टेंट है, अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसकी एक्सपेंशन। देयर आर वेरियस इंटरेस्टिंग मेथड्स एक्चुअली ऑफ फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज एक्चुअली बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। इट इज़ अ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, राइट। एंट्रीज हमें पता होती है पोजिशन की, जैसे A11, A12, A13, ठीक है, विद इट्स को फैक्टर्स। नाउ को फैक्टर्स इज अ न्यू टर्म, राइट। अब कैसे निकलते हैं को फैक्टर्स और माइनस वगैरह, अभी हम इसकी भी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अभी आपको मैं सिर्फ एक्सपेंशन का तरीका बताऊंगा। जैसे हम एडजॉइंट का टॉपिक करेंगे, उससे पहले हम माइनस और को फैक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे, राइट। अभी हम जो सॉल्व करेंगे दैट विल बी ट्रेडिशनल वे ऑफ इवेलुएटिंग द डिटर्मिनेंट, जो प्रोसीजर हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर, जिसको आप कह सकते हो जो आप एग्जाम्स में फॉलो करते हैं, ठीक है। देर आर वेरियस शॉर्टकट्स एज आई डिस्कस्ड विद यू टू फाइंड द डिटर्मिनेंट्स, दैट वी विल बी डिस्कसिंग वंस द चैप्टर विल बी ओवर, ठीक है। ट्रिक्स उसी लिए हम करेंगे। सो लेट्स टेक अ 3x3 मैट्रिक्स। लेट वी से देयर इज अ मैट्रिक्स ABCDEFGH, लेट वी से M, व्हाटएवर इट इज, ठीक है बेटा। हमने एक 3x3 मैट्रिक्स ले ली, आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहते हो। आप 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीखना है हमने, तो ये आ गया हमारे पास। वी राइट दिस इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, राइट। पढ़ा था हमने व्हाट इज डिटर्मिनेंट, इट इज़ बेसिकली अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ मैट्रिसेस टू द सेट ऑफ रियल वैल्यूज। हाउ डू यू एक्सपैंड इट एक्चुअली। 2x2 तो बड़ा सिंपल था, चार एलिमेंट्स होते थे, प्रिंसिपल डायगनल में से दूसरे सेकेंडरी डायगनल माइनस करते थे, ख़त्म हो जाती थी बात, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा बेटा, आप इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ एक्सपैंड कर सकते हो। हमारे पास कितनी रोज हैं, R1, R2, R3, तीन रोज है, तीन ये तरीके हो गए, C1, C2, C3, तीन कॉलम्स हैं। टोटल कितने वेज हैं हमारे पास इसको एक्सपैंड करने के, 6 वेज, ठीक है। सबसे पहले मैं सिंपल ट्रेडिशनल वे करूँगा Row 1 वाला, उसके बाद दो और डिस्कस करेंगे, बाकी आप तीन आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है बच्चे। सो दिस विल बी एक्चुअली हाउ डू यू डू इट, इफ़ आई एक्सपैंड इट बाय Row 1, सो वॉट इज़ द फर्स्ट रो, दिस इज A, B, and C। सो हाउ डू आई राइट इट, इज़ वेरी सिंपल, दिस इज फर्स्ट एंट्री, देन देयर विल बी अ डिटर्मिनेंट, देन देयर विल बी द सेकेंड एंट्री ऑफ द रो, देयर विल बी सम डिटर्मिनेंट, थर्ड एंट्री ऑफ द रो एंड देयर विल बी डिटर्मिनेंट, राइट। हम क्या करेंगे, उसके एलिमेंट्स लिख लेंगे पहले, सारे रो या कॉलम जिससे कर रहे हैं। मैं R1 से कर रहा हूँ, तो R1 के एंट्रीज मैंने बारी बारी लिख दी। जब मैंने A लिखा तो मैं उस रो और कॉलम को एक्सक्लूड कर दूंगा जिसमें A आता है। मैं बच्चों को सजेस्ट करूंगा, आप दो पेंसिल्स ले लीजिए, ठीक है, उनको हाइड, उनसे हाइड कर दीजिए। जैसे ये A था तो ये वॉज एन एंट्री ऑफ व्हाट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको हाइड कर दो, पीछे चार ही एंट्री बची दिख रही हैं आप लोगों को। व्हाट इज़ दैट, E, F, H, और M। वैसे ही B के साथ, B रो पहले वाली ही जाएगी, कॉलम कौन सा जाएगा दूसरा, पीछे क्या बच गया हमारे पास, D, F, G, M। और C के लिए क्या होगा, हमारे पास रो पहली वाली ही जाएगी, कॉलम कौन सा जाएगा थर्ड, जब थर्ड कॉलम चला गया तो पीछे क्या बच गया, D, E, G, H, ठीक है। तो सब मैट्रिसेस 2x2 की आ जाएंगी, जिस भी आप रो या कॉलम के साथ एक्सपेंड करोगे उसके एंट्रीज लिख दोगे, फिर जिस रो और कॉलम को बिलोंग करता है, दो पेंसिल्स ले लीजिए, उनसे उनको हाइड कर दीजिए, हर बार चार एंट्रीज बचेंगी और उनको एज इट इज लिख दीजिए जैसे उनका ऑर्डर आ रहा है। सो दिस विल बी A इनटू दिस विल बी EM माइनस, फॉर्मूला पता है आपको 2x2 का, FH, ठीक है। और अगला वाला आ गया B, DM, GF, और अगला वाला आ गया C, DH, GE, दिस इन टू दिस माइनस दिस इन टू दिस, इसमें भी दिस इन टू दिस माइनस दिस इन टू दिस। अब मैंने बीच में साइन नहीं लिखे, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, इट विल बी सेम, प्लस है प्लस, माइनस है माइनस, इट विल चेंज, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे साइन सेम, ठीक है बेटा। तो आप कैसे याद रखोगे, दिस इज SC, S, ठीक है, इन आर कंट्री सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, राइट, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, मतलब सेम चेंज सेम। मैंने प्लस माइनस प्लस नहीं बोला, क्योंकि अगर कल को ये माइनस का होगा तो यह माइनस ही रहेगा, और अगर ये माइनस का हो तो प्लस हो जाएगा, तो सेम चेंज सेम, राइट, ये रहेगी साइन की डिस्क्रिप्शन।
ऐसा क्यों होता है ये आपको बता देते हैं। एक्चुअली यही कॉन्सेप्ट है उनके माइनस को फैक्टर्स का जो यूज़ करते हैं हम लोग। तो दिस विल बी, इफ़ यहाँ पे जैसे मैंने सारे पॉजिटिव लिए हैं, सो इट विल बी पॉजिटिव, इट विल बी नेगेटिव, इट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ ए का साइन सेम रहेगा, बी का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, सी का जो साइन होगा वो सेम रहेगा, राइट। आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, वॉट एवर इज़ द आंसर, ए ई एम माइनस ए एफ एच माइनस बी डी एम प्लस बी जी एफ देन प्लस सी डी एच माइनस सी जी ई, राइट। ये एक्सपेंड करके इसका आंसर आ गया। अब अगर मैं इसको सपोज करो, इफ़ दैट्स व्हाट डिड आई टेल यू, कि मैं इसको किसी दूसरी रो या कॉलम के साथ एक्सपेंड करना चाहता, लेट वी से। अब आप किसके साथ एक्सपेंड करना चाह रहे हो, लेट वी से इसको क्या था हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच एम, ठीक है। अब सपोज करो आप इसको सेकेंड कॉलम के साथ एक्सपेंड करना चाह रहे हो, सेकेंड कॉलम के साथ, तो व्हाट डिड आई टेल यू, कि जिसके साथ भी एक्सपेंड, पहले उसके एलिमेंट लिख लो, तो बी लिख लिया आपने, फिर काफ़ी स्पेस छोड़ के क्या लिखोगे नेक्स्ट, ई, फिर स्पेस छोड़ के आगे क्या लिखोगे, एच। इसके आगे टू बाई टू डिटर्मिनेंट आएगा, टू बाई टू डिटर्मिनेंट आएगा, इसके आगे टू बाई टू डिटर्मिनेंट आएगा, राइट। अब बी के आगे कौन आएगा, जिस रो और कॉलम को बी बिलोंग करता उसको छोड़ दो, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिया तो क्या बचा पीछे, डी एफ जी एम, डी एफ जी एम। ई किसको बिलोंग करता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो पीछे क्या बचा, ए सी जी एम। और एच किसको बिलोंग करता है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो कौन बचा, ए सी डी एफ। अगेन इट विल बी सेम चेंज सेम, यहाँ पे जैसे सारे, हाँ अब पहले आपको मैंने बताया था सेम चेंज सेम, अब यहाँ पे वो नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब आप लोगों को कन्फ्यूजन हो गया कि प्लस कब आना है, माइनस कब आना है। आप सबको पता है कि जब हम जनरली कोई भी एंट्री लिखते थे, हम उसको लिखते थे ए आई जे, ठीक है ना। आई स्टैंड फॉर उसकी रो में कौन सी पोजिशन है, जे स्टैंड फॉर उसकी कॉलम में कौन सी पोजिशन है। अगर I प्लस जे इवन आ जाए तो साइन आता है सेम, और अगर I प्लस जे ऑड आ जाए तो साइन हो जाता है चेंज। ये रूल है सर। अब वापस पहले वाले पे चलते हैं, राइट। तो इसकी पोजीशन क्या थी, वन वन, इवन था तो साइन सेम। पोजीशन क्या थी इसकी, वन टू, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, वन प्लस टू थ्री, और था साइन हो गया चेंज। पोजीशन क्या थी सर इसकी, वन थ्री, वन प्लस थ्री इज़ व्हाट, इवन, साइन रहा सेम। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। बी जी की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, वन प्लस टू, ऑड, साइन हो गया चेंज, ठीक है। उसके बाद ई की पोजीशन क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, टू प्लस टू इज़ व्हाट, फोर, साइन रहा सेम। इसकी पोजीशन क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थ्री प्लस टू कितना हुआ, फाइव, ऑड, इसलिए साइन हो गया चेंज। आगे आप इसको सॉल्व कर लो, माइनस बी डी एम माइनस जी एफ प्लस ई ए एच माइनस जी सी माइनस एच ए एफ माइनस सी डी, राइट बॉस। अब आप इसको एक्सपेंड कर लो ऊपर वाली तरह, आपको पता चला माइनस बी डी एम प्लस बी जी एफ प्लस ई ए एच माइनस ई जी, मुझे खुद पढ़ा नहीं, हाँ, ई जी सी माइनस एच ए एफ प्लस एच सी डी, यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू को ले लो और इस वैल्यू को ले लो, आपको पता चलेगा ये दोनों वाली वैल्यू सेम निकलती हैं, ठीक है जी। इसी तरह से यू कैन एक्सपेंड इट बाय वेरियस रोज एंड कॉलम्स। आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू एवरी वन। सो दिस इज एक्चुअली द बेसिक रूल टू एक्सपेंड थ्री बाय थ्री डिटर्मिनेंट्स, ठीक है बेटा। ये सिर्फ हम एक्सपेंशन में यूज़ करेंगे, थोड़े से क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे या इन्वर्स करेंगे। जनरली हमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी, जिसके लिए आपको बोल दिया गया है, आप उसको पढ़ लीजिए, डॉक्यूमेंट दे दिया वर्ड आपको, गो थ्रू दैट, ठीक है। प्रिपेयर ऑल द प्रॉपर्टीज एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन नेक्स्ट क्लास। इफ देयर इज एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच।